मैं बहुत छोटा था, शायद 6 स्टैंडर्ड में था। मेरी बड़ी बहन बड़ी माँ के घर रायपुर गई हुई थी। मम्मी ने कहा कि जाओ बड़ी दीदी को लेवा के लेकर आओ। तो मैं चूंकि छोटा था तो मेरे साथ उन्होंने अपने स्कूल का एक स्टूडेंट गोपाल भैया को भी भेजा। हम लोग छोटी लाइन की ट्रेन होती थी, मीटर गेज ट्रेन, जो हाउबाग स्टेशन से निकलती थी। हम लोग वहाँ गए, अपना सामान लेके एक डिब्बे में घुस गए। बड़ा अच्छा डिब्बा था और वुडन उसका पूरा फर्नीचर वर्नीचर था। हमको लगा अरे कमाल ही हो गया, तो बहुत ही कमाल का डिब्बा है। उतने में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिनको एक हेल्प करने के लिए एक बंदा भी ऊपर आया, उसे सामान वामान रखा। तो मैंने कहा ये हमारी जगह है, यहाँ पे आप सामान मत रखिए, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमको भी बस रायपुर तक ही जाना है, थोड़ी सी जगह दे दो, बैठ के चले जाएंगे। और मैं ऐसा धीरे से ऐसा सरका, वो भी बैठ गए। ट्रेन चली तो गोपाल भैया को लगा कि हम लोग गलत डिब्बे में आ गए हैं, ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। तो उन्होंने बोला कि बॉबी भाई, ये अपन गलत डिब्बे में आ गए हैं, ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, इससे पहले कि टीसी आए अपने को अगले स्टेशन में उतर के अपने डिब्बे में जाना पड़ेगा। अब सबकी सांस रुक गई, ट्रेन चलती रही। वो जो जेंटलमैन थे उन्होंने कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक किया, कहाँ के हो और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा मॉडल हाई स्कूल में। अरे वो तो बहुत अच्छा स्कूल है, फला मां साहब है कि नहीं, फला टीचर है कि नहीं, हमने भी वहां से पढ़ाई की। करते करते जो है उस व्यक्ति को इस बात का आभास हो गया था कि ये लोग गलत डिब्बे में चढ़ चुके हैं। अब हम लोग वेट कर रहे थे कि अगला स्टेशन आए, अगले स्टेशन में उतरे, भागे इससे पहले कि टीसी आए। स्टेशन आया इससे पहले कि हम लोग उतर पाते, वो टीसी अंदर आ गया। टीसी जैसे ही अंदर आया, वो सज्जन ने कहा कि हमारे साथ है, रहने दो, हमारे साथ है, रायपुर तक जाएंगे। उसने बड़ी इज्जत से उनको नमस्ते किया, चला गया। मैं समझ गया कि ये कोई ना कोई बड़े आदमी है। उन्होंने मुझे खाने के लिए ऑफर भी किया, थोड़ी सी पूड़ी वगैरह निकाली, खाने का ऑफर भी दिया। मैं छोटा था, मैं बड़े हेजिटेशन के साथ मैंने एक पूड़ी निकाली। रायपुर आया, बाहर गए तो उनका तो माल्यार्पण वगैरह के साथ सम्मान, क्योंकि वो चीफ जस्टिस भगवती चरण वर्मा थे। चीफ जस्टिस भगवती चरण वर्मा, बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी और उतना ही बड़ा बड़प्पन उनका। जमकट 2004, मैं बड़ा हो चुका था, फिल्म जगत में आ चुका था, शाहखान की कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड में काम कर रहा था। चलते चलते फिल्म रिलीज हुई थी, उसी समय मैं अपनी फैमिली एंड अपनी सिस्टर उनके बच्चों वगैरह के लेके शिमला जाने का प्लान बनाया। हम तीन लोग जब मुंबई से ट्रेन पकड़ के चंडीगढ़ तक जाने वाले थे, बाकी फैमिली हमारी दिल्ली से आने वाली थी। हम लोग चंडीगढ़ के लिए ट्रेन में बैठ गए, हमारी रिजर्व कंपार्टमेंट, हमारी रिजर्व बर्थ्स थी। हवा लेने के लिए हम लोग दरवाजे पे तीनों खड़े हो गए। जब लौट कर आए तो देखे एक यंग माँ बाप अपने दो छोटे बच्चों के साथ हमारी बर्थ पे बैठे हैं। तो मैंने कहा ये रिजर्व कंपार्टमेंट अब अलग, क्या हो गया, दिन में कोई भी बैठ सकता है। वो आर्ग्यूमेंट करने लग गया। तो मेरा जो एक दोस्त था साथ में, वो थोड़ा सा उग्र नेचर का था, तो वो थोड़ा झगड़ा वगड़ा करने के टोन में आया, तो मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम लोग वापस जाके गेट पे खड़े हो गए। कम से कम 3-4 घंटे तक वो लोग हमारी बर्थ में थे और 2-3 स्टेशन निकलने के बाद उतरे। मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये गलत है, साले को लगाता था दो झापड़। मैंने नहीं, दो छोटे बच्चों के साथ उसके बाप को कभी हाथ नहीं उठाना, क्योंकि बच्चों के लिए उनका पिता हीरो होता है। अगर तुमने बच्चों के सामने उसके हीरो को मार दिया, वो पूरी जिंदगी सहम के जियेंगे। तो मेरा फ्रेंड एकदम शांत हो गया, बोला ये बात मेरे मन में क्यों नहीं आई। हम लोग वापस लौट कर आए, मैंने थोड़ा जगह दे दो, अब बर्थ हमारी है, थोड़ी जगह दे दो। लोग ने सड़क की जगह दिया, बच्चों को एक ने किसी ने गोद में रख लिया, एक ने किसी ने गोद में रख लिया, और ट्रेन चलती रही और हम लोग अपने सफर में पहुंच गए। थोड़ा सड़कते रहिए, थोड़ी जगह देते रहिए, रास्ते में बहुत सारे मुसाफिर मिलेंगे, मिलजुल कर पूरी खाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचिए। कभी हमसे गलती होती है, कभी उनसे गलती होती है, मगर यही जीवन का एक सार्थ है, यही जीवन है कि हम एक दूसरे के लिए जगह बनाते रहें और इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट करते रहें, हम एक दूसरे का नमक खाते रहें। तभी तो हम भारतवासी हैं ना, एक देश के हैं ना। हम एक देश के होके आपस में लड़के और बच्चों के सामने किसी से बदतमीजी करके क्या उखाड़ लेंगे। मुझे भगवती चरण वर्मा जी की बात याद आई कि उन्होंने कितने बड़प्पन से वो सिचुएशन हैंडल की थी। हमारे पास फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने अपने पावर को यूज करके हमें बैठने दिया। तो फिर हमारा भी एक हक बनता है ना, हमारा भी एक क्या बोलना चाहिए, फर्ज बनता है कि हम भी किसी को जगह दें। तो थोड़ा थोड़ा सा रखते रहिए, सफर में चलते रहिए, जगह बनाते रहिए, दूसरों को भी साथ में लेकर चलिए, तब मजा है। जय हिंद।